नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वो बहुजन समाज के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, अर्चना जी। अर्चना जी, आपका स्वागत है पहले तो हमारे चैनल में। हाँ, मैं भी आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों ने यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया और आपके माध्यम से मैं देश तक यही आवाज़ पहुँचाना चाह रही हूँ कि सारे लोग मिलके इस देश के ईवीएम का बहिष्कार करें। ये ईवीएम ने देश को बर्बाद कर दिया। कैसे लड़ पाएंगे इतनी बड़ी लड़ाई को आप लोग, क्योंकि आज बड़ी पार्टियाँ आप लोगों के साथ नहीं खड़ी हैं, लेकिन आप जितनी भी छोटी छोटी पार्टियाँ वो एकजुट हो गई हैं। कितना लगता है, कितने सार्थक हो पाएंगे इस कार्य में? नहीं, हमारे साथ तो अब देखिए छोटी पार्टियां छोटी छोटी नदियां बन के इकट्ठी होकर ही सागर बनता है और हमारे साथ कई पार्टियां हैं और इस पार्टी के लेके लोग समर्थन पे उतर रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग एक नया बदलाव लाने वाले हैं। और इस बार देश में अगर सरकार आएगी तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा चुनेगा लोगों की सरकार आएगी। अर्चना जी, आज आपने जो ईवीएम के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करा है, और आपको क्या लगता है कि आगामी जो चुनाव है वो किस तरीके से होंगे? ईवीएम से हो पाएंगे या बैलेट पेपर से होंगे? नहीं, चुनाव तो बैलेट पेपर से ही कराएंगे, ईवीएम से तो हम होने भी नहीं देंगे। चाहे कुछ भी हो, सरकार के साथ हम लोगों को अगर जेल भी जाना पड़े जेल जाएंगे, हमें उससे नहीं डरना, लेकिन चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, चुनाव बैलेट पेपर से। अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आगामी योजना क्या रहेगी आपकी? हम अभी तो दिल्ली बंद करने जा रहे हैं, कल हमारे प्रदेश लेवल के लोग हैं दिल्ली बंद कर रहे हैं, जरूरत पड़ी हम भारत बंद करेंगे और भारत बंद करके हम सरकार तक आह्वान पहुँचाएंगे कि अब जो लड़ाई हुई है वो गोलवरकर और अम्बेडकर के बीच में है और इस लड़ाई में गोलवरकर के लोग हारेंगे, अम्बेडकर के लोग जीतेंगे और हम बाबा साहब द्वारा बनाए संविधान की रक्षा करेंगे और संसद में उसी के चुन के लोगों को भेजेंगे। ये लड़ाई हम जीतेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। आप थे हमारे साथ अर्चना जी, जिन्होंने कहा कि अब आगामी जितने भी चुनाव होंगे वो बैलेट पेपर से होंगे, ना कि ईवीएम से होंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना भी कुछ करना पड़े, चाहे भारत बंद करना पड़े। आपने हमारे चैनल से बात की अर्चना जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इस आवाज को पूरे देश तक पहुँचाइए ताकि लोगों में एक जागृति आए और महिलाएं ज्यादा से ज्यादा उसमें उतरें और ये एक आंदोलन शुरू हो गया है, ये आंदोलन शुरू हो गया है। सारी पार्टियों को मिलकर आंदोलन के रूप में अपने देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाना है, मैं यही देश से कहना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।